प्लीज। ये है मरुभूमि फार्म स्टे, ग्राम पिचोलिया, पिसांगन रोड, पुष्कर, जयपुर से 160 किलोमीटर, दिल्ली से 350 किलोमीटर। आ जाए, है आओ। अरे राम राम साहब, जय माता दी साहब, जय माता जी की, शिवम जी, शिवम बीकानेर जी, राम राम, राम राम। आज क्या हो यो, राम राम। बस आ गया धर नगरी रमैया, मतलब मैं हूं, बहुत मोटा नाम है इरवास। नहीं 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 मालिक, नहीं 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 नहीं, आप आया टका टक देखो हैं। टेको तो बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत है आपका होम स्टे, हमने देखा। हाँ, रीले देखी, वीडियो देखे बहुत सारे जी। नमस्कार। आज अपने साथ मेघूमि जी हैं, कैमल लवर्स, यहाँ पे लोकल कल्चर बताया, ट्रैकिंग करवाई और अभी ब्रेकफास्ट में बढ़िया लोकल चीजें दी। मतलब पुरानी, मतलब जैसे आपके 100 साल के हेरिटेज, वो चीजें आप दिखा दो भाई। दिखा दो भाई, वाह, मतलब पुराने जो बाहर से विदेशी लोग आते हैं तो टच कराते हो राजस्थानी कला संस्कृति को। हाँ, अपना ये क्या है कि ये पुरानी हवेली है, इसको अपन ने बनाया है चूने के साथ, चूने के साथ प्योर चूना। अपने यहाँ का 35-40 किलोमीटर दूर अच्छा हावला के पास जगह है बोरुंदा, वहां से यहाँ पे चूना आता है, उसमें अपन ने कुछ वो अच्छा बजरी, मेथी, गुड़, हनी, शहद और ये मिला के इसको कुछ पिसवा के और ये यूज किया है। बैठो ना, आप 2 मिनट बातें करते हैं। हाँ। अच्छा भाई साहब, एक बात बताओ। हाँ, बहुत दुनिया घुमा लेकिन मतलब इतना क्रिएटिव माइंड है, मैं देख रहा हूँ। हाँ। देख रहा हूँ, कल रात से भी देख रहा हूँ, और मतलब इस तरह से इतना माइंड और इतनी कनेक्टिविटी, एक बंदा सिंगल कैसे कर सकता है? सर ऐसा है कि मैं पहले होटल इंडस्ट्री में मैंने जॉब किया, मैं शेफ था, ट्रेनर था, और मैंने लगभग 10 से 12 होटल्स में काम किया जी। और उसके बाद मैं अपना सीखता गया, यहाँ पे मैंने अपनी खुद की फूड रेसिपीज सीखी। मेरी मदर जो है वो बहुत फूड रेसिपीज में मास्टर है। अच्छा। उनसे सीखा, पुरानी बैक टू बेसिक्स फूड कलाओं को अपन ने वापस जीवित किया, उनको ट्रायल्स किए, और फिर यहाँ पे लोकल गाँव की, मेरे फार्म के, मेरे खेत के ऊपर हमने ये हवेली बनाई, इसमें सारी लोकल चीजें की है। आप देखें, अच्छा बताओ, आप जैसे ये देखो, ये कुछ मेरे को अलग लगेगा, देखो भी कासा, ये अपने गढ़ का है ये। अच्छा। हाँ, अपना गांव में गढ़ है, कोड़ारो है, एंड ये देखो आप कठपुतली। हाँ, ये पुष्कर से सारी लोकल आर्टिसियंस है, और वो सामने देखो ओल्ड, सारे अपने गांव के हैं, गढ़ के हैं, सारे अपना खुद का कलेक्शन है पूरा है। इसको अपन ने क्या है कि लोकल से ही चीजें बनवाई है। केर सांगरी मेघूमि जी, मौज उड़ गई, मजा आ गया। देसी खाना। देखो इसके अंदर है कचरी। वाह, ये सारी चीजें अपन ने लोकल बनवाई है। भारतीय संस्कृति जो सभ्यता है उसका अपने लोकल कल्चर को प्रमोट करने के लिए ये सारी चीजें अपन ने बनाई है। अच्छा। ये बांस की यहाँ पे लैंप बनाया है, और ये चूने से बना हुआ है सारा, पूरा है, पूरा चूने से है। और ये देखे आप, पुराने टाइम में पट्टियों के नीचे एक लकड़ी का सपोर्ट देने के लिए वो बनाते थे, इससे क्या होता कि मजबूती मिलती थी पटाओ में। अपने इसमें पट्टियां यूज की है जोधपुर की चूने के साथ। एक्चुअली दिस इज मड हाउस बट हेरिटेज लुक, हेरिटेज प्लस। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ मेघूमि जी, अल्टीमेट है। ओके, वाह साहब, ये है मेरा पंडाला वॉश बेसिन। यहाँ से अंदर से पानी आता है और ऐसा लगता है जैसे कोई झरना बह रहा हो, नेचुरल सोर्स। और ये पत्थर है मेरे गढ़ का पुराना, उसको लगा दिया। और ये पुराना चूने का है, एक मास्टर बेड है, एक सोफा कम एक्स्ट्रा बेड है, 2 मुड्डे हैं, मुड्डे भी गांव से बनवाए हैं सारे लोकल, अपना खेतराई टोडा है, नवनन काट और लोकल गांव में ही बनवाया। सो वी यूज्ड मोस्टली लोकल थिंग्स, एंड टेबल भी जो है वो अपने गांव रे लकड़ा रही है खेतरी। अच्छा, आओ दो बार चला।
यहाँ पर ये पर्दा जो है वो लोकल अपना गांव की जो अपने घर में जो साड़ी होती है उसी को करके मेरी मम्मी ने बनाया है। हाँ, और आइडिया जो था वो मेगुमी जी ने दिया था इसके लिए कि इनका जो है ना कैमल के प्रति और जो है वो प्लस इनका ब्लॉक प्रिंटिंग का जो एक्सपीरियंस है उसके लिए इन्होंने बताया कि बना ये चीज आप बनाओ। सो आई लर्न फ्रॉम मेगुमी एंड आई यूज द थिंग्स फॉर माय होम स्टे। पानी का स्विमिंग पूल है प्राइवेट जिसको आप तरणताल कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या सीधा अभी हम कहाँ पर हैं आप बताओ? पुष्कल, ये कौन सी जगह है? मुझे तो नहीं पता, मुझे तो नहीं पता, इनसे पूछो आप। मेगुमी, मैंने बताया था आपको, एक बार वापस बता देता हूँ। ये है मरुभूमि फार्म स्टे, ग्राम पिचोलिया, पिसांगन रोड, पुष्कर, जयपुर से 160 किलोमीटर, दिल्ली से 350 किलोमीटर, नियरेस्ट एयरपोर्ट किशनगढ़। और मेरा मोबाइल नंबर है 92-52-71-70 इन इंग्लिश, इट्स 9252207170। एनीबडी विल कॉन्टेक्ट मी फॉर देयर लग्जरियस स्टे और गांव की जिंदगी जीने के लिए मुझे और यहां का एक्सपीरियंस सीखने के लिए और इस बिल्डिंग के बारे में जानने के लिए। और अगर किसी को सजेशन चाहिए कुछ बनवाना हो और कुछ हो तो बेझिझक और आराम से मेरे नंबर पर कांटेक्ट करें। खमागणी, राम राम, धन्यवाद। ये है यहाँ का टेबल एंड केटली फॉर कॉफी एंड टीवी एंड एसी अवेलेबल। और ये हेरिटेज लुक है और बेड कुछ इस तरह का है और इस तरह का एम्बियंस है और यहाँ सिटिंग एम्बियंस सिटिंग स्पेस भी है, आप इससे बाहर का नज़ारा देख सकते हो। और इस तरह के ट्रेडिशनल लुक में इनका बाथ है, बाथ एंड टॉयलेट और आपका कुछ सामान वगैरह कुछ रखने के लिए। और ये मिरर है, बहुत ही हेरिटेज लुक में बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। एंड एक मिरर यहाँ पे लगा हुआ है और ये बाथ टेबल है और सबसे यूनिक है पानी आने का, ये इसमें से पानी आता है, इज वर्किंग नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर एंड सम आपके शैम्पू और कंडीशनर और फॉर योर बॉडी। और इसको राजस्थानी में बोलते हैं छाजला। इसका काम है छाजले का, ये अपने टॉवल्स और कपड़े रखने के लिए इन्होंने ये लगा रखा है यहाँ पे। और ये वेस्टर्न टॉयलेट है, नीट एंड क्लीन है और ऊपर शावर है, गीजर है एंड हर हॉट एंड कोल्ड वाटर के लिए ये है एंड इधर एक लाइट है ऊपर। पूरा हेरिटेज लुक में बनाया हुआ है और इस तरह का कुछ एम्बियंस है अंदर की साइड से। और मैं बाहर से और दिखाता हूँ आपको, बाहर से ये यहाँ पे ग्रामीण परिवेश है तो पूरा गांव वाली वाइब्स आती हैं। बाहर यहाँ बैठ के आप चाय कॉफी पी सकते हैं। पूरा दो मुड्डे लगे हुए हैं, टेबल लगी हुई है और आउटसाइड से कुछ ऐसा एम्बियंस है। और इधर एक स्विमिंग पूल बना हुआ है, स्विमिंग पूल में आके आप नहा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बाहर कुछ इस तरह का एम्बियंस है और ठीक है।